बीजेपी बस हिंदू मुस्लिम कर रही है, रोजगार, विकास, अर्थव्यवस्था वगैरह वगैरह सब गया तेल लेने, इन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम से मतलब है, यही कह रहे हैं ना सब। तो भाई बीजेपी गलत क्या कर रही है, जैसी है वैसी दिख रही है। वो तो 40 साल से हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रही है और शुरू से अछूत है, जनसंघ के जमाने से, और अब मजबूती से सत्ता में है तो अपने वोटर से किए गए वादे एक एक करके निभा रही है। बीजेपी अगर ऐसी ना होती तो गोविंदाचार याद है ना, वही जो कह बैठे थे कि अटल जी तो मुखौटा है बीजेपी का, असली चेहरा कुछ और है। वो बेचारे गोविंदाचार्य बरसों से इस बुरे हाल में क्यों होते, जब उनको पार्टी से बाहर किया गया था तो उदार मना अटल जी तक को तरस नहीं आया था उन पर। खैर, आइए समझते हैं कि CAA और NRC के नाम पर हो रहे विरोध प्रदर्शन का बीजेपी की सेहत पर रत्ती भर भी फर्क क्यों नहीं पड़ना, और सरकार के नुमाइंदे और बीजेपी के नेता शहर शहर बन चुके शाहीन बागों में क्यों नहीं जा रहे। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ला और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। बहुत आवाज उठ रही है कि सरकार वाले जब CAA की हकीकत समझाने के लिए रैली पे रैली कर रहे हैं तो 40 दिन से सड़क पर बैठी दिल्ली के शाहीन बाग की औरतों के बीच आखिर क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जाते ये नेता। ये तो गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ की रैली में साफ कर दिया। देश के गृह मंत्री ने एक तरह से सीधी सीधी चुनौती दे दी कि चाहे जो कर लो, CAA वापस नहीं होने वाला। और मित्रों, ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप पेमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप पेमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। दरअसल CAA पर कथित भ्रम साफ करने के नाम पर बीजेपी को अपना वोट बैंक एड्रेस करना है और एहसास करवाना है कि हम अपनी लाइन पर डटे हुए हैं। सही भी है। अब आप इसे कट्टरवाद कहिए, आलोकतांत्रिक कहिए, नफरत की सियासत कहिए, जो मन में आए कहिए, वो अपने वोटर का कर्ज अदा कर रहे हैं, या कम से कम इसका एहसास उसे करवा रहे हैं कि हम तुम्हारा कर्ज अदा कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बिना नाम लिए सीधा सीधा एक समुदाय की मर्दानगी पर चोट कर दी है। दंगाइयों की प्रॉपर्टी जब्त करवा चुके योगी जी ने शहर शहर सड़कों पर उतरी महिलाओं के लिए जो कहा है, उससे साफ है कि मुसलमानों की कोई सुनवाई उनके दरबार में नहीं होने वाली। और अगर देश के विरुद्ध नारेबाजी किसी ने की तो फिर देशद्रोही धाराओं में बंद करने की कार्रवाई भी उनके खिलाफ करने की तैयारी सरकार ने तय किया है। और आज उसी से लोग घबरा उठे हैं। जो लोग कल तक सीमी के आह्वान पर, PFI के आह्वान पर जगह जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, आज उनको लगने लग गया कि अब अवैध रूप से बनाई गई प्रॉपर्टी जब्त हो गई, तो वे लोग तो दुम दबा करके बैठ गए। अब अपनी महिलाओं को और बच्चों को आगे करके जगह जगह माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आप चिंता की कोई बात नहीं, सारे मामलों को सरकार और प्रशासन अपने तरीके से समाधान भी निकालेगा। आंदोलन और अपनी बात को रखने का अधिकार प्रत्येक को है, लेकिन इसके नाम पर उपद्रव और देशद्रोही कृत्य करने की छूट किसी को नहीं होगी। या कहते हुए मैं आज नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद, जय जय श्री राम। निंदा करने लायक बयान है ना, बताइए। सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश का मुखिया
एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है, ऐसे कैसे धमका सकता है? नहीं, ये तो गलत है। पहले उन मर्दों को कुचला जिन्होंने सड़क पर आग लगाई, अब जब औरतें तिरंगा लेकर शांति से बैठी हैं तो मर्दों को ललकार दिया। भाइयों बहनों, बीजेपी बहुत कायदे से अपने वोटर को एड्रेस कर रही है। इधर वाले धरना प्रदर्शन में हवन और लंगर दिखाकर लाख साबित करने की कोशिश करें कि CAA और NRC के डर को लेकर सिर्फ मुसलमान ही सड़क पर नहीं है, बल्कि समाज का हर वर्ग लामबंद है। ऐसी लाख कोशिश हो कि पूरे विरोध को सर्वव्यापी दिखाने की कितनी भी कोशिश हो, मगर उधर खेल बहुत कायदे से जारी है। शाहीन बागों को ठेंगे पर रखना असल में इसी का नतीजा है। यकीन ना हो तो फेसबुक या यूट्यूब पर अमित शाह या योगी के भाषणों के वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़िए। समाज किस तरह बटा हुआ है, साफ साफ ये सब साफ समझ में आ जाएगा। अब बस देखना यह है कि बकौल योगी जी, रजाई में सो रहे मर्द क्या सड़क पर उतरेंगे, पत्थर बरसाएंगे, आग लगाएंगे? क्योंकि सरकार तो साफ कर चुकी है कि रोल बैक का सवाल ही नहीं उठता। और हां, सुप्रीम कोर्ट ने खुदा ना खास्ता 4 हफ्ते बाद CAA पर दखल से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? NPR के बाद NRC नहीं आएगा, ऐसा कोई वादा भी सरकार नहीं करती दिख रही है। खैर, चलते चलते एक बात और। बीजेपी वाले शाहीन बाग नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो शाहीन बाग के बहाने अपनी हिंदू पॉलिटिक्स गरमा ली है। लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां बचकर चल रही हैं? जोर शोर से सड़क पर पूरी तरह मुस्लिम पॉलिटिक्स में वो नहीं फंसना चाहती, क्योंकि जिस शिद्दत से मुसलमान सर्द रात में खुले आसमान के नीचे खड़ा है, उतने में तो मुस्लिम वोटों की दावेदार पार्टियों को जमीन आसमान एक कर देना चाहिए था। आखिर मोदी के खिलाफ इससे बेहतर मौका कब मिलेगा? या उनकी सोच है कि मुसलमान जाएंगे कहां? बीजेपी को तो वोट दे नहीं सकते, देंगे उसको ही जो बीजेपी को हराता दिखेगा। और बीजेपी को हराता दिखने के लिए सिर्फ मुसलमानों से काम चलेगा नहीं, सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।